Let's sing a song full of hope. Assalamualaikum, welcome back to my channel. तो हमारा सुबह का नाश्ता गरम गरम डोसा और वड़ा सांबर चटनी है और ये है बटर डोसा और शोएब खा रहे इडली. तो आज हमारा नाश्ता ये है. ठीक है, आज शोएब नाश्ता बनाने में छुट्टी दे दी है मेरे को. बोले आज नाश्ता नको बनाओ, मैं लेके आ तुम बोल के लेके आए. ये हमारा ठंडा चिल पानी. मैं नाश्ता हो गया या चाय बनने रख दी मैं. तो गाइस हमारी वॉशिंग मशीन फिर हाथ दे दी हमारे को, फिर ख़राब हो गई. तो शोएब चेक कर रहे इसका क्या प्रॉब्लम है. अर्बन कंपनी वाले आके अच्छा इसको बनाए थे गाइस, तो पता नहीं क्या हो गया इसका. मोटर डलाए थे हम लोग इसके 4500 का, फिर इसका वायरिंग क्या प्रॉब्लम हो गया. तो शोएब देख रहे बिकॉज ना ऐसे मशीन ना क्या होता मालूम गाइस, यहाँ पर ना बोरिंग का पानी ज़्यादा है. तो बोरिंग के पानी से ना ये ऑटोमेटिक वाली मशीन ना जल्दी ख़राब हो जाती है ना शोएब. फिर इसका अब ये शोएब के बस में नहीं है. कपड़े नहीं धोए तो मालूम ना क्या होता गाइस, बेजार हो जाता. तो मशीन ख़राब हो गई तो उनको फ़ोन करे, उन्होंने आते आते बोल के अभी नहीं आए, कल ही करे थे हम लोग. तो मालूम ना गाइस, अपन जैसे मिडिल क्लास वालों को ये चीज़ें कितना नीड रहते, वॉशिंग मशीन ना स्पेशली. तो ये ख़राब हो गए ना तो लाइफ बैगन में बन जाती. हाथों से कपड़े धोना पड़ता यार. उनको फ़ोन करे हम लोग कल रात में, उन्होंने बोले आ रहे, बोले अभी नहीं आए. तो हम लोग लोकल आदमी से कराने वाले हैं बिकॉज अर्बन से कराए वेस्ट है. वो लोग खाली आने को 500-600 लगा देते, फिर उसका रिपेयरिंग के बोल के मशीना लिख जाते. 4500 से कमीज नहीं करते वो लोग, मतलब ऊपर ही जाते रहता, 5 के ऊपर ही जाते रहता या 3 के ऊपर ही जाते रहता. अब लोकल शॉप वालों को बुलाए हम लोग, तो देखेंगे. शॉप अच्छी है, अच्छा जा रही, लेकिन जब राउंड फिरती ना गई, जब ही नहीं फिर रही उन्हें तो स्टोकिंग हो रहा, सोब हो रहा, बटन आ, लाइट सोब आ रही, लेकिन अंदर का कुछ भी काम नहीं कर रहा गाइस. चलो छोड़ दो, अब उनको आन दो, ये प्रॉब्लम चलते रहते यार. छोड़ो, ये बहुत ज़रूरत वाली चीज़ है, बहुत नीड वाली चीज़ है. ये ख़राब हो गई कल से, अब ये ख़राब हो गई, क्या कर सकते. ऐसे शोएब फिट कर दे रहे बिकॉज शोएब को ये काम नहीं आते. तो मैं बोली इसलिए नक्को करो, तुम ख़राब कर दिए थे शोएब ऐसी चीज. मैं देख तुम बोल के लास्ट टाइम नहीं, मैं खराब नहीं, ट्राई करा था, ट्राई तो करना, ट्राई करके एक की जगह एक लगा दिए थे. जिसको जो काम आता उन्हें करना अच्छा रहता. ठीक है, इसको साइड में रख दो, फ़ोन करो ना आते बनाएंगे. आज लंच में मैं बना रही हूँ फूल कॉलीफ्लावर बना रही हूँ, इसको फ्राई करती हूँ. ठीक है, मेरे स्टाइल में, बिकॉज इसका सालन कम खाते घर में, ज़्यादा नहीं खाते. तो मैं सोची इसको फ्राई कर देंगे और उसके साथ कुछ और बनाएंगे अपन. ठीक है, तो इसको मैं अच्छे से काट लूँगी बड़े बड़े पीसेस में, फिर मिलती हूँ आपसे. अच्छे से साफ़ कर दी बिकॉज जान से लेती हूँ ना वहाँ पर ना कभी भी कीड़े वीड़े रहते ही नहीं गाइस, बहुत क्लीन एंड नीट रहती. देखो आप लोग देख सकते. तो अच्छे से इसको बारीक काट ली मैं. इसमें ना अच्छा मसाला डाल के स्पाइसी फ्राई करेंगे इसको. आप लोग को इसकी रेसिपी भी दिखाऊँगी. ठीक है, चलो. दाल गाइस हैदराबाद की वर्ल्ड फेमस खट्टी दाल है ये, तो बना रही हूँ मैं. इसमें डाल दी मैं हल्दी, टमाटे, हरी मिर्ची बस, और इसको कुकर लगा देंगे अच्छे से पके बाद में. ये बनती अपनी खट्टी दाल. तो ये है इमली, बिकॉज खट्टी दाल में इमली नहीं है क्योंकि खट्टी में होता नहीं, तो इसलिए ना ये उसका पार्टनर है खट्टी दाल का मेन. धूप आ गई गाइस, मतलब दो दिन से धूप नहीं, धूप नहीं है तो परेशानी, धूप है तो परेशानी. ये दाल हमारी अच्छे से बन गई गाइस, यहाँ पर बगा रही हूँ. और इसमें डालूंगी मैं मस्त खट्टी दाल बन गई गाइस. क्या जबरदस्त धूप आई, मतलब दो तीन दिन से ऐसा मौसम था और ऐसी सर्दी हो रही थी, आज तेज धूप निकली, बहुत खुशी हो रही. मशीन लगाएंगे बोले तो हमारी मशीन खराब हो गई. चलो ये छोटे छोटे चलते रहते लाइफ में. और मशीन वाले शाम में आते बोले 7 बजे शॉप बंद करके, तो फिर देखेंगे लेट्स सी कल क्या होता. तो गाइस मैं ना खट्टी दाल बना ली और ये मैं फ्राई कर रही हूँ एकदम क्रिस्पी में. गोभी फ्राई कर रही हूँ गाइस मैं,
एकदम मस्त स्पाइसी खट्टी दाल के साथ ये फ्राई, क्रिस्पी फ्राई 65 भी बोलते हैं उसको। थोड़ा धनिया पाउडर भी डालेंगी बिकॉज ना टेस्ट अच्छा आता। तो इसको मस्त क्रिस्पी फ्राई करेंगे अपन। मस्त कॉलीफ्लावर, गोभी का फूल जो बोलते हैं इसको बोलो आप लोग। तो इसको मैं क्रिस्पी फ्राई कर रही हूँ, ये दाल के साथ बहुत ज़बरदस्त रहता। वैसा तो मच्छी भी है चिकन भी है लेकिन वेजीज खाना दिल हो रहा, शेफ के वास्ते बनाते रहती हूँ मैं तो। मेरे को ऐसे चीज़ें बहुत पसंद जो क्रिस्पी फ्राई रहते ना वो वाले बहुत पसंद। तो मैं इसको अच्छा लाइट मसाला लगा के बनाई, ठीक है। Full of pain, why don't you sing along my friend, for it's our last refrain. देख सकते गाइस आप लोग मस्त फ्राई हो गए। Forever young, ever strong, ever brave, memories like this never end. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आज का व्लॉग ऐसा था गाइस, पूरा वॉशिंग मशीन के ऊपर दिन निकल गया बिकॉज वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई सुबह सुबह, बैड न्यूज़ हो गया। तो मतलब आप लोग समझ सकते हैं, हम लोग लास्ट टाइम ना मैं दिखाई थी आप लोग को, कंपनी को बुला के उसको रिपेयर कराए थे, ठीक है। फिर भी ना वो उन लोग वारंटी भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए, वो ख़राब हो गई, ठीक है। उसके बाद मैं लोकल जनों को बुलाया, उन्होंने अभी तक नहीं आए, 7 बजे तक आते बोले, अभी 7 बज गए कब आते नहीं मालूम। तो फिर शोएब जाके सुबह में कुछ तो भी जुगाड़ करना पड़ता बिकॉज ना वॉशिंग मशीन एक ऐसी चीज़ है जो डेली अपन के कपड़े वॉश होते रहते, तो वो नहीं है तो ना अपना काम अधूरा रहता। मैं ना पकाते पकाते वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते रहती हूँ तो वो अच्छा रहता गाइस, जल्दी ख़त्म हो जाते, और ना पेंडिंग होता फुल हो जाते। तो ये दर्द लेडीज ही समझ सकती, वॉशिंग मशीन ख़राब हुई तो ऐसा था गाइस। अगर बन गई तो अच्छा है, फिर कल फ्राइडे है पूरे शॉप्स बंद रहते, तो देखेंगे क्या होता। अभी चाय रखी, मैं चाय पीती हूँ। तो ये था गाइस आज का व्लॉग, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद है तो ज़रूर लाइक कर देना, जो नए हैं सब्सक्राइब कर देना और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। और ऐसी ज़बरदस्त व्लॉग के साथ मिलते रहूँगी। 30 days 30 vlogs चैलेंज चल रहा और 5th vlog कंप्लीट हो गया, आप लोग तक पहुँच जाता है इंशाल्लाह। तो बाय गाइस, दुआ में ज़रूर याद रखना, बाय। No, they don't fade away, so when I'm gone.